लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। दशमी के साथ ही बंगाल में मशहूर दुर्गा पूजा का समापन हो चुका है। कई जगह प्रतिमा विसर्जन भी किया जा चुका है, लेकिन महानगर में दुर्गा पूजा की खुमारी अभी भी बरकरार है। बुधवार को कई जगह पारंपरिक सिंदूर खेल का आयोजन किया गया। इस बीच अब इंतजार है शुक्रवार को रेड रोड पर आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा कार्निवल का। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। राज्य सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सानिध्य में आयोजित होने वाली कार्निवल में इस बार का थीम रंगा माटी देश रखा गया है, यानी कि रंगीन मिट्टी का देश। मुख्य रूप से लाल मिट्टी के नाम से मशहूर राज्य के बांकुड़ा विष्णुपुर के रंग में कार्निवल का मंच तैयार किया गया है। बीते साल कार्निवल का थीम पूरे जमाने के जमींदारों के बंगलों के तर्ज पर रखा गया था। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने 2016 में दुर्गा पूजा कार्निवल की शुरुआत की थी। इसके तहत विसर्जन से पहले शहर के सर्वश्रेष्ठ पूजा आयोजकों की ओर से प्रतिमा कार्निवल निकाला जाता है और इसके तहत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्निवल में मंच पर उपस्थित रहती हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार कार्निवल में 75 पूजा कमेटी शिरकत कर रहे हैं। इसमें महानगर के अलावा कुछ पूजा कमेटियां जिलों से भी शामिल हैं। कार्निवल में विश्व बांग्ला शारद सम्मान से सम्मानित पूजा कमेटियां भी शिरकत करेंगी। इसे लेकर इस बार दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य की संस्कृति की झलक देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचाने की है।